बोलियां ही चुप रही तो चुपिया बोलेंगी क्या, खींच गई जिसकी जुबा मजबूरिया बोलेंगी क्या। आ जाओ सबके सामने और सच बोल दो, अभी भी कुछ लोगों को भ्रम है लड़कियां बोलेंगी क्या। स्वागत है सिवान न्यूज में। सबसे पहले जन्मदिन के हार्दिक शुभकामनाएं लवली जी। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं लवली राजपूत गोपालगंज से। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को चाहेंगे कि आप अपना परिचय दे दें। नमस्कार, मैं लवली राजपूत गोपालगंज से, और बस इतना ही है। इतना ही ये बता दीजिए, आपका ये जो समाज सेवा का सफर है वो कहाँ से शुरू हुआ, अध्ययन कहाँ से शुरू हुआ, ये सब के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। मैंने 10th गोपालगंज से किया हुआ है, और 10th के बाद से मेरा आगे का एजुकेशन था वो दिल्ली से हुआ था, और बाकी समाज सेवा का जो वर्क का मेरा जो एक दिलचस्पी है वो मेरे को बचपन से है, कि एक शौक था कि अगर ये लोग परेशान होते हैं तो मुझे फील होता है कि मैं परेशान हूँ। एक अलग सा अटैचमेंट है जो मैं शायद उतने अच्छे से जाहिर नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक अलग सा सुकून मिलता है इनके साथ टाइम स्पेंड करके, इनके लिए कुछ करके। जब भी मौका मिलता है, ये नहीं बोलूँगी कि मैं डेली करती हूँ, हर टाइम करती हूँ, लेकिन जब भी मौका मिलता है मैं खुद के अपने शेविंग से करती हूँ। अब बाढ़ के टाइम मैंने स्टार्ट किया था, कोरोना टाइम बाढ़ का टाइम था, जब मैंने सर्वे किया था गाँव में जाके, काफ़ी लोग काफ़ी परेशान थे, तो मुझे इतना नहीं पता था कि इतना ज़्यादा लोग परेशान होते हैं। जब मैं गांव में घूमी, देखा यहाँ का माहौल वगैरह, तो काफ़ी चीज़ें सुनने को मिला, सब कोई मुझसे बैठ के बातें करता था, बताता था, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम एक छोटा सा ही स्टार्टअप करते हैं खुद से। जब हम खुद से अपना शेविंग से करने लगे तो ऑटोमेटिक लोग, उस टाइम बाढ़ के टाइम मुझे फंडिंग किया था, आगे भी लोग सोचा कि करने के लिए, लेकिन जब बाढ़ खत्म हो गया तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे कोई फंडिंग वंडिंग नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए था, मुझे इन लोगों के लिए चाहिए था, और मैं हमेशा चाहते थे कि इन लोगों को, मेरे को देख के काफ़ी लोग आगे आए और करें, तो काफ़ी लोग करते भी हैं, काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी सुकून सा फील होता है कि हाँ यार लोग कर रहे हैं। और ये मैसेज इसलिए है कि अभी ठंड का मौसम है तो लोग ब्लैंकेट देने का एक अलग सा ये है कि मेरे को देख के काफ़ी लोग आए आगे और करें अपने ऐसे ही बर्थडे। चलिए, दूसरा सवाल ये है कि जहाँ पे बिहार की जितनी भी परिवार है वो अपने बेटी को घर में ही रखना चाहते हैं, घर से ही घर का काम करके उन्हें उनकी शादी करा देना चाहते हैं, आपका परिवार कितना सपोर्ट करता है सामाजिक कार्यों के लिए? मेरी फैमिली का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है, इसीलिए शायद हमें बाहर निकलने का मौका मिला और आगे समाज के प्रति लगातार मैं वर्क कर रही हूँ, क्योंकि फैमिली काफ़ी सपोर्ट करती है, और शायद अगर हम अच्छे हैं ना तो हमारी फैमिली की सपोर्ट अलग ही एक रहता है, कि फैमिली को अगर, क्योंकि हमने भी फैमिली को विश्वास दिला के रखा है कि लाइफ में अगर कुछ करना है और कुछ हासिल करना है और लोगों को जागरूक करना है और लड़कियों को स्ट्रांग बनाना है, मजबूत बनाना है, और अगर हमारी फैमिली सपोर्ट भी नहीं करती तो मैं उनको बैठ के समझाते और अपना एक होता है ना कि लड़की होने का रियल परिचय देते कि हाँ मैं लड़की हूँ, मैं ये चीज़ कर सकती हूँ। और मैं बाकी लड़कियों के लिए यही बोलूँगी कि आप लोग भी अपने फैमिली को मनाएं, और पेरेंट्स को भी बोलेंगे कि अपने बच्चियों को ऐसा नहीं बोलेंगे कि पूरा छूट दीजिए, ये एक मौका ज़रूर दीजिए कि आपकी बच्ची आगे बढ़ सके, अपने लिए, अपने हक के लिए लड़ सके। अगर सशक्तिकरण की बात करती हैं, वहीं दूसरी तरफ देखा जाता है कि गोपालगंज में एक छेड़खानी के विरोध में लड़की को चाकू मार दिया जाता है, ऐसे परिस्थितियों को लेकर आप क्या कुछ करना चाहेंगी, किसकी कमी है यहाँ? इसमें प्रशासन की कमी है, क्योंकि हमारे यहाँ अगर आज कोई भी कांड होता है ना तो हमारे यहाँ इतना लॉन्ग टाइम में उस पे, जैसे कि कोई केस फाइल किया, अगर किसी के साथ छेड़खानी हुआ, कुछ भी हुआ, अगर कोई लड़की फाइल करने जाती है, चाहे कोई भी, पहले तो लड़कियों पर उंगली उठाया जाता है कि आप ही पे ऐसा क्यों हुआ, लड़कियों के चरित्र पर उंगली उठती है, बहुत सारी चीज़ें बोला जाता है, प्रशासन के पास भी लड़कियाँ जाती है, मेरे पास बहुत ऐसे प्रूफ हैं, जैसे कि लड़कियाँ मुझे बताती हैं कि हम लोग प्रशासन पे गए तो प्रशासन के तरफ से वहाँ पे ये आती है कि आप, मतलब आपकी करेक्टर ऐसी है हुआ है, लेकिन सबसे पहले मैं इसमें प्रशासन को ब्लेम करते हैं, क्योंकि प्रशासन अगर स्ट्रिक्टली एक स्ट्रांग हो जाए ना तो ऐसी चीज़ें नौबत नहीं आएगी। चलिए, नीतीश सरकार दावा करते हैं कि नारी सशक्तिकरण के लिए हम बहुत कुछ किए हैं, कितना सफल लग रहा है उनका ये दावा? नहीं, उनका कोई सफल नहीं है, मैं सीरियसली जो भी है सामने बोलूँगी कि कुछ भी नहीं है, कहीं भी नारी सुरक्षा नहीं है यहाँ पे बिहार में, नहीं, कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। चलिए, आगे का फ्यूचर प्लानिंग क्या है, अगर जनता आपको कोई भी राजनीति पार्टी में बुलाना चाहे तो क्या? राजनीति पार्टी का मैंने कभी सोचा नहीं है, शुरू से नहीं सोचा है, मैं सोचते हैं कि ऐसे ही, अभी तक मेरा एनजीओ भी नहीं है, एनजीओ के बिना मैं वर्क करती हूँ, लेकिन आगे मैं एनजीओ जरूर अपना बनाएंगे, और लड़कियों को मजबूत बनाना है कि प्रशासन और किसी के भरोसे नहीं रहे, खुद के लिए लड़ सके, अपने दम पे लड़ सके, अगर कोई कुछ बोलता है तो वहाँ पे लड़ सके, अपने लिए, अपने हक के लिए आवाज़ उठा सके। चलिए, के बारे में क्या ख्याल है आपके?
शादी का तो बहुत सारे रिश्ते आते हैं, लेकिन अभी मैंने शादी का कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि मेरे को अगर मैं शादी कर ली तो और लड़कियों के लिए प्रेरणा कौन बनेगा। तो मेरे को ये है कि कुछ लड़कियों के लिए कुछ करके उसके बाद से सोचा जाएगा, क्योंकि शादी तो कभी होते जाएगी, अगर हम कुछ बन गए तो ऑटोमेटिक कभी भी शादी हो जाएगी। नहीं नहीं, शादी से पहले बनने का बात अलग है, ऐसे तो सबको ही बन जाता है, उसके बाद से तो ये हो जाता है कि हस्बैंड के नाम पे आप बन गए, किसकी अपने बदौलत बनना है वो चीज़ एक अलग पहचान बनानी है। घर वालों का तो दबाव आता होगा शादी के लिए? नहीं, घर वाले बोलते हैं, लेकिन घर वाले की पूरी सपोर्ट है कि जब तक मैं रेडी नहीं होंगे तब तक शादी नहीं हो। नमस्कार प्रणाम, मैं लवली राजपूत गोपालगंज से, और जन्मदिन का ख्याल तो मुझे ऐसे है कि इन लोगों से काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट है, एंड इन लोगों से मुझे काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है इन लोगों के साथ। तो कुछ भी चीज़ें, मतलब फेस्टिवल हो गया या कोई भी चीज़, मतलब जब भी मौका मिलता है सेलिब्रेट करने का, इस वजह से और एक अलग सा एक लगता है कि हाँ यार, कि फेस्टिवल अगर अपन मनाते, वैसे ही एक बर्थडे आता है हर इंसान के लाइफ में एक स्पेशल डे, तो मुझे लगता है कि अपना स्पेशल डे में जितना ज़्यादा मुझे आशीर्वाद मिले कम पड़ेगा, इसलिए मैं बस आशीर्वाद सबका मिले और इनके साथ मुझे थोड़ा सा सुकून मिलेगा, सुकून का पल, इस वजह से। ये पहली बार आप कर रही हैं, इसके पहले भी समाज सेवा कर चुकी हैं आप? इससे पहले भी मैंने समाज सेवा किया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे रहती नहीं हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ, लेकिन जब भी मुझे यहाँ पे मौका मिलता है, जैसे भी लगता है कि जब भी मौका मिले, तो सबसे पहले भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि जब भी मौका मिलता है तो मैं सोचती हूँ कि यहाँ के लिए कुछ करूँ, तो इस वजह से इस बार मुझे मौका मिला और मैं इन लोगों के साथ हूँ। चलिए, कोरोना पीड़ितों में भी आपने गरीबों की मदद की, बाढ़ पीड़ित की भी मदद की, आगे आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है? फ्यूचर प्लानिंग कुछ नहीं है, जैसे कि क्या था कि कोरोना टाइम और बाढ़ के टाइम भी ऐसा था कि मुझे इतना नहीं पता था, क्योंकि मैं 9 साल से दिल्ली में रह रही हूँ, मुझे यहाँ का नहीं पता था कि इतने ज़्यादा लोग परेशान होते हैं, बाढ़ ऐसे आता था, मुझे कुछ सीरियसली मुझे कोई आइडिया नहीं था। बट यहाँ पे जब मैंने देखा और एक होता है ना सर्वे किया गाँव में जा जा के, तो देखा काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ थी, उस टाइम इलेक्शन का भी टाइम था, तो काफ़ी लोग अपना मतलब जो भी है बातें बताते थे कि मुझे यहाँ पे किसी चीज़ का मतलब सपोर्ट नहीं मिलता है, ना ही गवर्नमेंट का तरफ से, ना ही कोई राजनीतिक दल से। तो फिर उसके बाद से धीरे धीरे मेरा एक था कि उनका आवाज़ बनना, आवाज़ बनते बनते मैं इन लोगों में इन्वॉल्व होकर मदद करना स्टार्ट कर दिया, और आगे का मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि राजनीति, लोग बोलते हैं कि बस मेरा सोच बदलना है कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, लोगों के लिए कर सकते हैं, लोग अपना हक के लिए लड़ सके, इसलिए उनको मजबूत बनाने का बस इरादा है। कि अपने दर्शकों को और गोपालगंज की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे वीडियो के अंत में? मैं बस इतना बोलेंगे कि आप लोग भी आगे आएँ, और ऐसे ही जैसे छोटा ही सही, एक को ही सही मदद करने के लिए आप आगे आएँ, बहुत सारे लोग आते हैं उनको दिल से थैंक यू, लेकिन जितने लोग हैं आएँ और अपनी लड़कियों को बहुत ही स्ट्रांग बनाएं, और अपनी लड़कियों को एक मौका ज़रूर दें कि वो भी अपने शक्ति को पहचाने और आगे आके हम जैसे, जैसे मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि अरे आप लोग लवली राजपूत बने, आप जो हैं अपना खुद का नाम और अपना खुद का पहचान एक अलग बनाइए। कोरोना के तीसरी लहर बहुत तेजी से वापस आ रही है, बहुत ज्यादा केसेस बढ़ने शुरू हुए जी जी, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे लोगों से? मैं लोगों से यही बोलना चाहेंगे कि जितने लोग भी हैं अभी कोरोना का जैसे कि तीसरी लहर आ रही है, सेफ रहें, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, जैसे मतलब नोटिस आ रहा है उसके अकॉर्डिंग रहें, और आगे जो भी होगा नोटिस के थ्रू बताया जाएगा, वैसे अपने अकॉर्डिंग सेफ्टी के साथ रहें। चलिए, तो ये थी लवली राजपूत, जो कि अपना जन्मदिन मनाने के लिए दलित बस्ती में आई हुई थी और कम्बल कॉपी कलम का वितरण कर रही थी। बने रहिए हमारे साथ, मैं हूँ लव प्रताप सिंह, देखते रहिए सिवान न्यूज।